अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके, कोरोना जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में कामगारों को सरकार सीधे हेल्प कर सके, इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो है ई श्रम। ई श्रम कार्ड बनवाने का मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ कि किस तरीके से आप ई श्रम कार्ड ऑनलाइन खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हुए हैं, अगर आपको ई श्रम कार्ड में कुछ भी गलती है तो उसको आप कैसे करेक्शन करेंगे। सुभाष, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको क्या करना है, साथ ही इस बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर्दे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो इस बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, बेल के बटन प्रेस करते ही आप इसको जो है ऑल कर दीजिए क्योंकि मैं पर्दे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हुए हैं, अगर आपका उसमें जो है बैंक अकाउंट गलती हो गया है या ओकेपीएसएम जैसे आप काम कुछ करते हैं डाल दिए हुए हैं कुछ, या आपका जो है कोई इन्फॉर्मेशन गलती है घर का एड्रेस का, या आप जो है आप इनकम सर्टिफिकेट गलती अपलोड कर दिए हुए हैं, तो वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से आप जो है घर बैठे बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना आप दुकान में जाए साइबर कैफे में जाए, आप किस तरीके से घर बैठे आप उसको खुद से कैसे करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप यही काम करवाने के लिए दुकान वाले के पास जाइएगा ना भैया, तो वहाँ पे आपको जो है 100 रुपीज़ तो कम लेगा भी नहीं, 100 रुपीज़ से आपको ज़्यादा ही लेगा और वहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको हरासमेंट भी होगा। तो अगर आप जो हरासमेंट से बचना चाहते हैं, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखना होगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे आप ई श्रम कार्ड में कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ई श्रम कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो मैं आपको इस वीडियो में यह भी दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके ई श्रम कार्ड में कुछ भी गलती है तो आप जो है कैसे उसको सही कर सकते हैं, कैसे आप खुद से मोबाइल से लैपटॉप से आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए या करेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है ईश्रम.gov.in और इंटर कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका ये पोर्टल आपको सामने में नज़र आ गया। यहाँ पर देखिए कि रजिस्टर ऑन ई श्रम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको आधार लिंक मोबाइल जो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर ये कैप्चा यहाँ पर डाल दीजिएगा, इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। जैसे मेरे केस में आ गया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सिंपली सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, तो हमको एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ सबमिट वाले आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको आ गया है डाउनलोड का, तो आप यहाँ से ई श्रम कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो है ई श्रम कार्ड आ चुका है, तो यहाँ से जाके आप जो है ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ई श्रम कार्ड में कोई भी करेक्शन करें, कोई भी सुधार करें, तो आप डेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से देखिए अपना जो है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को यहाँ से सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ से आप जो करेक्शन कर सकते हैं। एजुकेशन इनकम में यहाँ से आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन स्किल आपका क्या है वो यहाँ से आप जो करेक्शन कर सकते हैं। बैंक डिटेल यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप पर भी प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन जैसे आप काम क्या करते हैं अगर वो गलती हो गया है, या बैंक अकाउंट कुछ गलती हो गया है, या आपका एड्रेस कुछ गलती हो गया है, तो आप जो है इसमें करेक्शन करके सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एक बैंक अकाउंट गलत हो गया है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर पूरा आपका आ जाएगा।
यहाँ पे अपना जो सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है अकाउंट नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यहाँ पे आईएफएससी कोड आ जाएगा। अगर गलती है तो सिंपली यहाँ से सुधार करके यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, तो ये जो है आपका जो है अपडेट हो जाएगा। सिंपली यहाँ से हम देख आते हैं, अगर आप ओकेपीसन अगर आप कुछ काम करते हैं और वो गलती हो गया है तो यहाँ पर ओकेपीसन एंड एसकी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है कौन सा काम करते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे हम यहाँ पर कारपेंटर डालते हैं, यहाँ पर देखिए कि आ गया कारपेंटर। इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। यहाँ पर जो है आप ओकेपीसन अगर दूसरा कोई है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो है आपको जो काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ओकेपीसन सर्टिफिकेट, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी रख रखते हैं सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट आपको उसमें अपलोड कर देना है। ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी फाइल अपलोड कर रहे हैं वो जो है PDF, PNG, JPG, JPEG में होना चाहिए। उसका साइज जो है 1 MB के बीच में ही होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका फाइल अपलोड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ अपडेट वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे अपडेट हो जाता है और आपका जो है जो भी आप डाले हो कि पीस वो आपका उसे आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपका आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका एड्रेस अगर गलती है तो इस एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा। आप जो भी एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद अपना पूरा यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एड्रेस अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से एजुकेशन में गलती या प्रोफाइल आप देखना चाहते हैं या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ गलती हो चुका है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपका पूरा यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। और सही करने के बाद सिंपली यहाँ पर अपडेट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से बैक आइए, बैक आने के बाद अगर आपको जान रहे हैं कि कोई एजुकेशन इनकम सर्टिफिकेट में कुछ गलती हो चुका है तो यहाँ पर एजुकेशन एंड इनकम सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना जो है एजुकेशन जो भी है आपका इसमें से चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका इनकम कितना है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा और मैं जैसे पहले बताया हूँ कि यहाँ पर जो फाइल होगा PDF, PNG, JPG, JPEG और एक जो है आपको 1 MB से कम में होना चाहिए, नहीं तो ये फाइल आपका अपलोड जो है इसमें अपलोड नहीं होगा। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो है अपडेट हो जाएगा। सो आज ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है। अगर आपके ई श्रम कार्ड में कुछ भी गलती हो चुका है तो आप जो है यहाँ से उसको करेक्शन कर सकते हैं, यानी उसको सही कर सकते हैं। सो आज अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हुए हैं, अगर आपके ई श्रम कार्ड में कुछ भी गलती, ऐसे अगर आप काम कुछ करते हैं उसमें डाल दिए हुए हैं कुछ, या आपके बैंक अकाउंट कुछ गलत हो चुका है, या आपका इनकम सर्टिफिकेट कुछ और है और आप जो है कुछ और ऐड कर चुके हैं, अपना प्रोफाइल देखना चाहते हैं, तो वो सब जो है आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।